नमस्कार, विद दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। भाजपा के पक्ष में अमर सिंह की समर्थकों से अपील। सपा से निष्कासित राज्यसभा सदस्य और मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे अमर सिंह ने शुक्रवार को यहां आजमगढ़ स्थित अपने पैतृक गांव तरवा पहुंचकर भाजपा का नाम लिए बगैर अपने समर्थकों से चुनाव में हर संभव मदद करने की भावुक अपील की। सिंह ने गांव पहुंचने के बाद चुनाव में उनकी किंग मेकर की भूमिका के सवाल पर कहा कि भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। उन्होंने बसपा को आड़े हाथों लेते हुए प्रदेश में भाजपा सरकार बनने की संभावना जताई। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वांचल ही नहीं उत्तर प्रदेश के चौतरफा विकास के लिए प्रदेश को चार हिस्से में बांटना जरूरी है। छठे और सातवें एवं अंतिम चरण के चुनाव से ठीक पहले वाराणसी में मोदी के संसदीय क्षेत्र, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ और शुक्रवार को आजमगढ़ में मुलायम के संसदीय क्षेत्र का सड़क मार्ग से दौरा करने के बाद अमर ने कहा कि काम बोलता है का नारा पूरी तरह झूठ है। सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढे में सड़क है। अपने पैतृक आवास तरवा में वे सबसे पहले अपने समर्थकों से मिले और लोगों को बताया कि वोट किसे देना है। हालांकि उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन परोक्ष रूप से भाजपा और नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। अपने घर के अंदर ही चौपाल लगाकर बात करने के बाद उन्होंने कहा कि वे आज भी मुलायम सिंह यादव का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में जिस तरह से स्तर गिरा है, सपा के लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति की गरिमा के विरुद्ध है। उन्होंने मायावती को पैसा लेकर टिकट देने के सवाल पर कहा कि इस समय लोग बदलाव की बात कर रहे हैं और जनता जातिवाद से मुक्त होकर एक समग्र विकास चाहती है। दूसरी ओर मिर्जापुर में चुनावी रैली में राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि खाट सभा के दौरान लोग खाट उठाकर ले गए थे। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या इस चुनाव में उनकी खाट खड़ी करोगे या नहीं। यह चुनाव समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस से मुक्ति का मौका है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अपने पराये का खेल बहुत हो चुका है, अब सबको उत्तर प्रदेश के हित में एकजुट होने की जरूरत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। सहवाग पर टिप्पणी, जावेद अख्तर बोले मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मध्य प्रदेश में सागर के भाजपा महापौर अवैध दारे पर रिश्वत का मामला जांच में साबित, राज्य सरकार ने वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार छीने। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टाउन थाना क्षेत्र में ट्रक और जीप की भिड़ंत में 17 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के नोडाखली में 11 लोग गिरफ्तार, 51 लाख के पुराने नोट बरामद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ग्रेनेड हमले में एक नागरिक की मौत, सीआरपीएफ जवान घायल। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.dunia.com। नमस्कार।